अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डबल लेयर कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाली है। इसे हम बीच में एक यूनिक सा टेक्सचर देंगे, मतलब कि थोड़े से क्रंची टाइप का टेक्सचर देंगे जो बीच में आएगा। बाकी साइड का तो बहुत टेक्सचर अच्छा ही रहेगा, पर जो बीच का टेक्सचर रहेगा वो आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगा। अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो इनसाइड का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा दिख रहा है। दिखने में जितना अच्छा है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम इसको फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप चने की दाल, इसको मैंने सिर्फ वॉश किया है। 300 ग्राम मटन ले लेना है, बोनलेस मटन का यूज़ करना है हमें यहाँ पर। 1 टुकड़ा अदरक का ले लेना है, 15 से 16 काली मिर्च, 3 लौंग ले लेना है, और 1 ले लेना है हमें फूल, और 1 छोटी सी इलायची ले लेनी है, और 1 दालचीनी की स्टिक ले लेनी है, और 2 हमें ले लेना है तेज़पत्ता, और 7 से 8 हमें यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ले लेनी है, और 6-7 कलियाँ हमें लहसुन की, और 1 टीस्पून हमें यहाँ पर जीरा ले लेना है। फिर हमें ले लेना है प्रेशर कुकर, और ये सारी चीज़ें हमें उसमें डाल देनी है, क्योंकि हमारी जो दाल है वो भी सॉफ्ट नहीं है और जो हमारा मटन है वो भी कच्चा है। तो ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कुक करना है, इसलिए सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच भर के हमें इसमें डाल देना है हल्दी, और 1 चम्मच डाल देना है नमक। फिर हम इसमें डाल देंगे पानी, वो 2 कप रहेगा। उसके बाद पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान देना है। अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो दाल पूरी गल जाएगी, या तो फिर आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पूरा आ जाएगा, हमें वैसा नहीं चाहिए। फिर हमें इसे कुक कर देना है 20 मिनट के लिए, मतलब 1 सीटी है और 20 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो गया है, और आप देख सकते हैं मेरा जो मटन है वो भी अच्छी तरीके से गल गया है, और जो दाल है हमारी वो भी गली हुई है, और खड़ी हमें चाहिए थी वो खड़ी भी है, और दाल भी अच्छी तरीके से गल गई है, और नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं था। अगर आप में थोड़ा सा पानी बच जाए तो हाई फ्लेम पे करके पूरा पानी को जला देना है, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए। तो जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा ही मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद हमें इसे एकदम अच्छी तरीके से पीस लेना है, एकदम बारीक पीस लेंगे हम इसको। तो ये देखिए ये यहाँ पर अच्छी तरीके से पिसा गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एकदम फाइन चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अच्छे से प्याज को एकदम फाइन चॉप कर लिया, जैसे हम अंडे तलते हैं ना वैसे ही प्याज आपको यहाँ पर एकदम कटिंग कर लेनी है। इसे हम हाफ़ ही ऐड करेंगे, हाफ हम रख देंगे, वो कब यूज़ करना है मैं आगे आपको बताऊँगी, फ़िलहाल हाफ यूज़ कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून हरी मिर्च, हरी मिर्च को एकदम चॉप करके डालना है हमें, और अदरक लहसुन भी हम इसमें चॉप करके डालेंगे, तो 2 टीस्पून मैंने वो भी यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद हम 1 टीस्पून यहाँ पर नमक डालेंगे, आप चाहे तो यहाँ नमक अच्छे से वापस से चेक कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसमें धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर ये जो प्याज मैंने आपको कहा था रखने, उसमें हम 1/4 टीस्पून डाल देना है इसमें चिल्ली फ्लेक्स, और 1/4 टीस्पून हमें नमक भी डाल देना है। उसके बाद हम इसमें धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम कबाब के बीच के पार्ट में यूज़ करेंगे, तो आप जितना नमक आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो। फिर हम कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, जितनी साइज़ का आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो, बाकी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मीडियम साइज़ का, आप इतना भी ले सकते हो। इसको बस थोड़ा सा प्रेस करके पतला सा बनाना है, क्योंकि ये डबल लेयर वाला रहेगा ना, तो इसे हमें पतला ही बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, क्योंकि डबल होगा तो डबल होकर ही ऑटोमेटिकली मोटा बन जाएगा, तो आपको स्टार्टिंग में पतला ही रखना है। जैसे हम नॉर्मली कबाब को मोटा रखते हैं उस तरीके से नहीं रखना है, क्योंकि ये डबल जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना। तो इस तरीके से पतला सा हम बना लेंगे। फिर हम दूसरा भी बना लेंगे ऐसे प्रेस कर करके। फिर बाद में बीच में हम डाल देंगे जो हमने बनाया था ना प्याज वाला, वो हम बीच में ऐसे डाल देंगे। तो इसमें आपको जितना डालना हो आप उतना डाल सकते हो, वैसे ज़्यादा डालोगे तो फिर वो पैक नहीं हो पाएगा, तो जितना हो सके मीडियम में डालो, जितना में डाल रहे हो आप उतना भी डाल सकते हो, या तो फिर आपको ज़्यादा डालना है तो इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर देना, तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। इसमें डालने के बाद थोड़ा हाथ से स्प्रेड कर देना, ताकि सारी जगह ये अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। फिर जो हमने कबाब पहले बनाया था उसको इसके ऊपर डाल देना है। फिर हमें उसे हल्के हाथ से प्रेस कर लेना है, ताकि वो अच्छे से पैक हो जाए। तो बस देखिए ये यहाँ पर बनके रेडी है, इसी तरीके से हमें सारे बना लेने हैं।
तो ये देखिए ये यहाँ पर रेडी है। अब चलिए इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया था और पैन में हमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और इसको थोड़ा सा हीट अप करना है। उसके बाद हम इसमें कबाब डाल देंगे अपने, ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना है, थोड़ा सा ही डालना है। और इसको हमें 2 से 3 मिनट एक साइड अच्छी तरीके से पकाएंगे या जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक ही हमें इसे अच्छी तरीके से पकाना है। जब अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये रेडी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही क्रंची बना था ये। अब हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। तो लीजिए बनके तैयार है हमारा कबाब, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था। मतलब आप इसको एक बार बनाओगे ना तो यकीनन इसको बार बार बनाना चाहोगे, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये कबाब। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो इसको भी प्रेस कर देना, इस तरीके से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। अगर नोटिफिकेशन पहुँचेगी तभी तो आप मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाओगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट जाके वहाँ भी फॉलो कर दीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।